तो अभी दिन के 12 बजे, अभी दिन के नहीं रात के 12 बजे रहे और सौरभ का बर्थडे है। मैंने यार चुप रहे, ऐसा नहीं बोलते ब्लॉग में, अच्छा हो रहा है लग गया आने में। हेलो गाइस, सॉरी, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी रात के 12 बज रहे हैं और मेरे भाई का आज बर्थडे है, तो मैंने घर पे खुद से केक बनाया था बिस्किट का, जो बनाते हैं नॉर्मली, बिकॉज मैं बेकरी गई थी बट मेरे को याद नहीं था कि उसका बर्थडे है। सस्ते में टल जाएगा करके चुप रहे। 8-9 बजे मुझे याद आया, फिर 8-9 बजे तो गई मैं, वो बेकरी बंद हो गई थी, तो फिर क्योंकि कल हम रियल केक काटेंगे तो रात के लिए मैंने चाहिए बना ली थी, और हमें कैंडल भी नहीं मिली है तो इसी से हम काम चला रहे हैं। तो दिस इज मेड बाय मी। ऋतिक हमारे रात के बर्तन धोने आ रखे हैं और अभी 11:55 हो रहा है, बस 5 मिनट बचे। चलो टाइम 12 बजे, तो गाइस 12 बजे नहीं बजे चले जाते हैं, तो हम जा रहे हैं उसके रूम। किट्टू सोच रहा होगा ये क्या चल रहा है भाई इनका, बड्डू ऐसे सो रहा है। डर गया हूं। किट्टू हैप्पी बर्थडे बोल दे बाबू, बाबू हैप्पी बर्थडे बोल दे भैया को। बाबू कर दे कैंडल भी तुम्हारे पास। ये देख मेरा बिल्ला, इनके से कैमरा मैंने यार हां कैमरा नीचे कर दिया इसने। बहुत टेस्टी हो रहा है बहुत ज़्यादा, मैंने इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। अब हम लोग सो जाते हैं, दिग्गी अपने घर जा रहा है और इसको थोड़ा वो हो गया, शौक हो गया कि मेरे को किसने उठाया करके, मम्मी भी शौक में है थोड़ी सी। बाय किट्टू, मैं भी सो जाती हूँ। ये 6 बजे के बाद हमको सोने नहीं देता है, लेकिन अब हम लोग उठ जाते हैं ना 8-9 बजे, मतलब जितने बजे भी उठते हैं, मैं जितने बजे भी उठती हूँ उसके बाद से इसकी नींद भाई ये जगह जगह पे सो जाता है, कभी सो जाएगा ही, इतनी नींद आती है इसको। और 6 बजे हमें डिस्टर्ब करता है, मेरे पैर काटेगा, मेरा कंबल के अंदर घुस जाएगा सुबह सुबह, बहुत परेशान करता है। और ओ मैं 0.5 पे नहीं बना देती, ऐसे ही होता है यार। मैं अभी उठ चुकी हूँ और मैं अभी नहाने जाती हूँ, वैसे मैं थोड़ी देर बाद नहाती हूँ बट आज मम्मी बोल रही थी कि मंदिर जाओगे करके, तो अभी नहा लेती हूँ और ठीक है बाय। वो अब मैंने नहा लिया और नहाने के बाद मंदिर वो लोग चले गए बिकॉज़ बारिश हो रही थी बाहर पर बहुत ज़्यादा। सो गाइज अभी दिन के 2:30 हो रहा है और तब से मैंने ब्रेकफास्ट किया तब से मैं सोई हूँ, मैं फ़ोन में ही देखती रहती हूँ कुछ ना कुछ, और हमारे घर पे एक चोर आ रखा है। अपने को देखे आए, अल्लाह तेरे को दिखाता हूँ मैं तेरे छपरे में, तो ये देखे वो पहले मैं से दिखती भाई यार इसके पैर देख छपरी वाले, तो अभी भी छपरी लगता है, तो पहले लगती थी लेकिन वो पहले के हिसाब से छपरी नहीं था। बाल देख, बाल तो मेरे बाल कर्ली हैं, फिर इतने बड़े बाल अभी हैं कि मेरे बाल नहीं। भाई तुम लोग बोलते हो डेली ब्लॉग बनाओ डेली ब्लॉग बनाओ, तो डेली ब्लॉग में क्या बनाऊं कि मैं सो रखी हूँ। सो हेलो एवरीवन, अभी बज रहे हैं समथिंग 8 बज रहे हैं, नहीं हाँ 8 बज रहे हैं, तो मैं सौरभ के लिए गिफ्ट लेने गई थी और मैं अभी पहुँच रही हूँ और घर पे केक वगैरह कटने लग गया शायद, तो मेरे को डांट पड़ने वाली है बहुत गंदी वाली।
और आई एम लुकिंग गुड नाइस। तो मैं उसके लिए अभी गिफ्ट लेके आई, तो मेरे को थोड़ा टाइम लग गया आने में, मम्मी थोड़ा सा मेरे को डांट रही है, बट बाकी जो भी है अभी हम लोग बर्थडे मनाएंगे। और मैं वहाँ को गई थी यार, ऊपर पहाड़ साइड को गई थी भुट्टे खाने। मैंने वहाँ व्लॉग ही नहीं बनाया, मैं भूल जाती हूँ यार, जहाँ भी जाती हूँ मैं व्लॉग बनाना भूल जाती हूँ। तो बाकी फिर ट्रैफिक लग जाते हैं आने में, टाइम लग जाता है काफ़ी ज़्यादा। नहीं, मैं अपने भाई के बर्थडे के लिए तैयार होती हूँ, क्योंकि कुछ लोग और आने वाले हैं। ठीक है, फिर मैं रेडी होती हूँ। ओके, सो वी आर रेडी। सौरभ के लिए मैं ये टी शर्ट लेके आई थी, इसका बर्थडे गिफ्ट। Nice, बढ़िया। इसका बैग भी था, क्योंकि ज़्यादा प्रिंटेड आती है वैसे, बॉयज़ में ये थोड़ी कम प्रिंट वाली थी। और फोटोज़ और मुझे कमेंट करके बताना कि मैं सूट में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ या फिर वो कैजुअल फिट्स में, जीन्स वगैरह में। ठीक है, कार सारी तैयारी हो चुकी है। और ये है हमारे दो शेफ, खाना बनाने वाले ऋतिक बजेठा और मिस लीला देवी। बनाते मेरा थक गया खाना। ये छोले मैंने बना रखे हैं, मैं बना रखी थी। और ये पूरियाँ आटा वाटा सब मैं गोद के गई थी, फिर भी मुझे डांट पड़ रही है। हमारे घर में हमारे पड़ोसी आ रखे हैं, मस्त खाना आना बांट रहे हैं बच्चों को, बढ़िया रखा है। और ये वो क्या होते हैं, बेरोजगार। मैं बेरोजगार, मैं वो ये कुछ काम नहीं करती है, बस बैठी है यहाँ पे मेरे साथ। भैया है, पता मेरी वजह से काम कर रहे हैं लोग। अच्छे से करो मंजू, अच्छे से करो, अच्छे से खिलाओ बच्चों को। ये मेरे वो है चेले, चेले। अच्छा, इनकी इनके चेले। तुम उससे डरते हो ना? ये भी यहाँ खाने के लिए आ रखी है, बैठी है, कब खाना मिलेगा, कब मैं खाऊंगी। मैं सब लास्ट में खाऊंगा, ज्यादा मिलेगा। और ये बर्थडे बॉय को बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा है आज। तू यहाँ भी बैठा है अकेले, ऐसे क्या करते है तू? ये छबरी बना कैसे? ये हंसते हुए मत दिखाना चाहता हूँ। दिस इज माई रूम। मैं तुम्हें अपने घर का होम टूर करवाऊंगी आराम से, मतलब इस साल में या फिर अगले साल, पता नहीं कब, जब पूरा हमारा फर्नीचर वगैरह कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद होम टूर कराऊंगी। भाई ये बुबू कमरे पे सो रखा है, बताओ। नींद जोरदार है बताओ। हाँ, इतनी नींद क्या आई है इसको, ए ओए उठ भाई, इसके सस्ते मशा लगी चलते हैं, खत्म आदमी है। सुबह के 10:30 हो रहा है और ऋतिक लोग जा रहे हैं कहीं बर्थडे मनाने, घूमने घूमने घूमने। कहाँ जा रहे हो? हो गया हो गया, बहुत सुंदर लग रहा है तुम। क्योंकि मैं सुंदर ही हूँ बहन, इससे ज़्यादा क्या सुंदर लगूँ। इससे पहले इसने बॉडीगार्ड वाले कपड़े पहने थे, मैंने तुम लोगों को दिखाए रात। फिर मैं हम 11-12 बजे तक सो गए थे, क्योंकि कुछ भी होता ना हमारे वहाँ, हम थोड़ा बहुत डांस करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा रहते हैं अगल बगल, तो सब लोग साथ में डांस करने लग जाते हैं। और ये दोनों अब जा रहे हैं, वो तो हर चीज़ में ब्लॉगिंग भी बनाने लग जाती है। तेरे को क्या करना है, अपना काम करना। तो ठीक है,
ठीक है गाइज, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग पे। ठीक है, बाय बाय।